हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ राइस वाटर। यस गाइस, राइस वाटर को आप अपने हेयर पे कैसे यूज करोगे आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैंने वीडियो शूट कर लिए बट मैंने इंट्रो शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ राइस वाटर फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ। यस गाइस, आपने इस पर वीडियो बहुत देखा होगा बट मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। राइस वाटर फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ, री ग्रोथ, थिक, लॉन्ग एंड हेल्दी शाइनिंग हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है राइस वाटर। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेस्ट वे टू यूज़ राइस वाटर, क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं पता कि राइस वाटर किस तरीके से यूज़ करना है। तुरंत राइस को भिगो के तुरंत उसका पानी यूज़ नहीं किया जाता है, थोड़ा देर उसको सोक किया जाता है, उसके बाद ही उसको यूज़ किया जाता है। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी राइस वाटर के बारे में। एंड राइस वाटर हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जैसे हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वैसे हमारे हेयर के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। आपको पता ही होगा जितना आपका वेट होता है डेली का, आपको उतना ही प्रोटीन कंज्यूम भी किया जाता है। मतलब आपका वेट है 50 kg, तो आपको 50 g प्रोटीन डेली का कंज्यूम किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे हेल्थ एंड हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए राइस वाटर में मीन्स राइस में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जिससे हमारा हेयर क्या होता है, हमारे हेयर को भी प्रोटीन की नीड होती है। हमको वो वाटर हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारा हेयर अगर ग्रोथ रुक गया है तो रीग्रोथ करता है एंड हमारे हेयर को थिक करता है, शाइनी बनाता है, लॉन्ग। स्पेशली हमारे हेयर का ग्रोथ वो जो रुक जाता है उसको रीग्रोथ करता है। इसके लिए राइस वाटर फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलो ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक टोटली फ्री है गाइस, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर ही तो करना है, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, उसके बगल में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल होगा उसको हिट करिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो डालो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम चावल ले लेंगे। आपके घर में जो भी चावल अवेलेबल हो आप वो चावल ले सकते हो, और उसको मैं अच्छे से दो बार वॉश करके उस बाद उसमें पानी डाल के सोक कर लूँगी। आप देख सकते हो मैंने दो बार वॉश करके उस बाद उसमें पानी डाल के ऐसे मैं इसको छोड़ दूँगी ओवरनाइट या फिर 12 to 15 hours के लिए। 24 hours के लिए मत छोड़िएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक बार 24 hours के लिए छोड़ दिए थे तो बहुत ज़्यादा स्टिकी स्मेल आने लगा था। ओनली 12 hours या फिर 15 hours तक ही छोड़िएगा। तो 12 and 15 hours के बाद आप देख सकते हो मैंने इसको ओपन भी किया, एंड आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर नॉर्मल जो आपके घर में बॉटल है आप देख सकते हो मैंने ये लिया है, इसमें भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ईज़िली। आपको हेयर पे अप्लाई करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा स्प्रे बॉटल हो तो उसमें, बट मैंने स्प्रे बॉटल में ऑलरेडी कुछ डाल के रखा था तो इसके लिए मैं इसमें इसको डाल रही हूँ, और ऊपर से मैंने इसको होल्ड कर लिया ताकि आराम से अपने हेयर्स पे अप्लाई कर सकूँ। आप देख सकते हो तो इसको मैं अपने हेयर्स पे अब छोटा छोटा पार्टीशन करते हुए अप्लाई कर लूँगी, आप देख ही सकते हो। तब तक मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ चावल की बेनिफिट्स। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। चावल का वाटर जो होता है पानी, वो स्पेशली होता है हेयर ग्रोथ, अगर आपका रुक गया है तो उसको रीग्रोथ करता है। एंड अगर आपको छोटे बाल है तो आप इसको 1 month तक कंटिन्यू अप्लाई करके देखो, आपके हेयर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, रात भर रखना पड़ता है, सुबह अप्लाई करना पड़ता है, इसकी वजह से बहुत लोग नहीं करते, मैं खुद भी नहीं करती थी, बट अब मैं कभी कभी इसे मंथ में 2 times मैं इसको अप्लाई करती हूँ, 2-3 times, क्योंकि मैं और भी फेस पैक वगैरह हेयर मास्क वगैरह यूज़ करती हूँ इसके लिए। चावल में ना इंस्टॉल एंड स्टार्च पाए जाते हैं जो हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा चमकदार एंड मुलायम बनाते हैं। मेरा हेयर पहले बहुत ज़्यादा ड्राई था, जब से मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ ना तब से मुझे थोड़ा मेरा हेयर सॉफ्ट लगने लगा है। इसके साथ साथ मैं बहुत सारे हेयर मास्क वगैरह भी यूज़ करती हूँ, शायद उसका भी असर हो सकता है, बट मैं बहुत टाइम पहले राइस वाटर यूज़ करती थी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है यार राइस वाटर, और बिल्कुल पैसे भी नहीं लगते, आराम से हो भी जाते हैं। एंड इसमें आपको अमीनो एसिड भी मिलता है जो हमारे हेयर्स को मजबूत बनाता है, मतलब कि हमारे जड़ को ना मजबूत बनाता है ताकि हमारा हेयर टूटे नहीं। आप देख सकते हैं मैंने पूरे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। इसमें बहुत तरह का विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेयर्स के लिए।
एंड 20 मिनट्स के बाद मैंने हेयर को वॉश कर लिया है। 20 मिनट्स से ज़्यादा आप अपने हेयर्स पे राइस वाटर ना रखें, क्योंकि ओवर प्रोटीन भी नहीं मिलना चाहिए, एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ही मिलना चाहिए। वीक में आप इसको 2-3 टाइम्स यूज़ करो, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखना। तो आप मेरे हेयर देख सकते हो, मेरा हेयर शुरू से ही थिन है, बहुत ज़्यादा थिक मेरा हेयर नहीं है स्टार्टिंग से ही। बट अभी मैंने बिल्कुल कोम वगैरह कुछ भी नहीं किया था, बट हेयर बस वॉश किया, ड्राई हुआ, नेचुरली मैंने ड्राई किया, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर भी मुझे अपना हेयर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। आप देख ही सकते हो मेरा नेचुरल हेयर। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो, अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।